अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं आज हम दूसरे गाड़ी लेकर आए हैं। हमारी वाली गाड़ी है नहीं, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है ये चार बंदे के हम लेकर आते हैं ट्रेनिंग के लिए। दो बंदा नीचे उधर टहल रहे हैं, दो बंदा केबिन में बैठे हुए हैं। तो ये लोग के हम अपने गाड़ी में ट्रेनिंग देता हूँ। जो मेरी गाड़ी का जो सिस्टम है एक्ट्रेस है, सेम एक्ट्रेस है वो भी, लेकिन उसमें है कंप्यूटर वाला सिस्टम है। आज छोटा गियर एक बार लगा दीजिए, अपने अंदाज से वो गियर ले पाती है। ये हम गाड़ी चेंज करके इसलिए लाए हैं, इसमें आप जैसे लगाओगे अपने अंदाज से वैसे चल पाएगी, तो ये लोग के अंदाज बन पाएगी। क्योंकि मेरी जो इसमें जो है ये लोग का हाथ जल्दी बैठ पाएगा स्टीयरिंग पे, अंदाज मिल पाएगी गियर का, इसलिए हम गाड़ी चेंज करके लाए हैं। दोस्तों जो पुराना जैसे दो ढाई महीना हो गया ये लोग को आते हुए, ये लोग अपने गाड़ी पे हम ट्रेनिंग देता हूँ। क्योंकि हम बोलते हैं इन लोग से इधर से एल बना कर लेकर आओ, मतलब सीधा लेकर आओ। यहाँ पर हम आप देख ही रहे हैं टायर रखे हुए हैं, इसमें एल बनाकर इस दोनों टायर के बीच में ये लोग घुसाना है। तो ये जो दो आदमी है, एक आदमी की उसमें बैठाए हैं, एक नया लड़का है उसको 15-20 दिन हुआ है सऊदी में आते हुए, उसको भी फिलहाल सिखाया जा रहा है सीधा पैक करने के बारे में। तो उसके बारे में हम थोड़ा देर के बाद बताते हैं, हम अभी फ़िलहाल बताते हैं। तो ये लोग तीनों आदमी के डेट मिल चुका है ताला में, जहाँ पर लाइसेंस बनता है लाइसेंस बनवाने के लिए। ये फिलहाल संडे गए या मंडे के जब भी चले जाए ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि लोग अच्छा एल बना पाते हैं, लोग अच्छा ट्रेनिंग मिल गया है लाइसेंस बनाने लायक लोग मिल गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं एक बंदा जो है इसको अभी स्टीयरिंग का अंदाज नहीं मिल रहा है, इसका ये अंदाज नहीं मिल रहा है सीधा बैक कैसे किया जाए। जो आदमी को जो जैसे अपने मुल्क में छोटा गाड़ी चलाए हैं या फोर व्हीलर हो या ट्रैक्टर कुछ भी हो, तो ट्रैक्टर जो चलाएंगे उसको तो अंदाज जल्दी मिल जाएगी। तो ये बंदा के हम करीब दो हफ्ता से जब भी जुम्मा के टाइम मिलता है तो हम जुम्मा के लेकर आते हैं ट्रेनिंग के लिए। आज जुम्मा है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग लेकर आए हैं ट्रेनिंग के लिए। तीन आदमी का तो डेट मिल चुका है, ये हफ्ता के अंदर में लोग लाइसेंस बनवाने के लिए चले जाएँगे, लाइसेंस बनाने के लिए चले जाएंगे। वहाँ पे यही सिस्टम रहता है अभी जो बताएं, टायर वाला सीधा गाड़ी मिलेगी, बैक करके ले जाना है, एल बना कर घुसा देना है, सुरता ही इंशाल्लाह पास कर देगा। आप 0-0 लगा पाते हैं तो इस बंदा का जो अभी फ़िलहाल दिए हैं तो इसको यही काम हम दिए हैं, बस सीधा तुम बैक करो, सिर्फ बैक करोगे तुमको अंदाज मिलेगी, स्टीयरिंग का अंदाज मिलेगी, वही मुझे चाहिए। इसको अभी हम दो हफ्ता से करीब तीन हफ्ता से लेकर आते हैं, बस जुमा के लेकर आते हैं जब मुझे टाइम मिलता है, मेरा गाड़ी के लोड नहीं रहता है। तो इसको खाली एक ही काम देता हूँ, बैक करो सीधा, क्या है कि इसको दो हफ्ता से भी लेकर आते हैं, इसको अंदाज मिला नहीं है सीधा बैक करने का, स्टीयरिंग का अंदाज मिला नहीं है। आप देख ही रहे हैं अभी कितना एल काट रहा है, कभी इधर लेकर जा रहा है, कभी राइट लेकर जाता है, कभी लेफ्ट लेकर जाता है। सीधा बैक जब तक नहीं होगा, जब तक आप एल नहीं बना पाओगे, काहे कि स्टीयरिंग का अंदाज वही है सीधा, अगर आप बैक कर पाते हैं तो, काहे कि आपको स्टीयरिंग का अंदाज मिल जाएगा। अगर राइट में काटिएगा तो बाएं में जाएगी, अगर बाएं में काटिएगा तो राइट में जाएगी। तो आप फिलहाल देख ही रहे हैं दोनों टायर के बीच में लोग बोलते हैं इधर से एल बैक करके लाओ, इसमें एल बनाओ, सीधा गाड़ी होना चाहिए। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो इंशाल्लाह आप जहाँ लाइसेंस बनवाने के लिए जाओगे तो वहाँ पे सुरता के सामने आपको ट्रेनिंग मिलता है 10-12 दिन के लिए। उसके बाद एक फाइनल एग्ज़ाम होता है जहाँ पे दो सुरता वाला रहता है, आप वैसे ही साइड में सुरता खड़ा रहेगा, आपको बोलेगा वहाँ पे गाड़ी मिलेगी, आपको बोलेगा आप जाओ स्टीयरिंग पे बैठो, बैठने के बाद वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट लगाओ, अपने अंदाज से दोनों की इग्निटर देख लो, चारों इग्निटर जला कर बैक करके सीधा लेकर आओ। उसके बाद से हम यहाँ पे टायर रखे हुए हैं, वहाँ पे पट्टी रहता है, यहाँ पे रोड पे यहाँ पे पट्टी मारा रहता है, उसको बोलेगा वहाँ से बैक करके लेकर आओ, यहाँ पे एल बना कर सीधा इसको अंदर घुसाना है। आप अगर अंदर घुसा पाते हैं